हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कर अपने यूट्यूब चैनल एक करंस क्लासेस नाग मंदिर मिश्रा टोला दरभंगा से आप सबों का हार्दिक और अभिनंदन करता हूं। अपने आज के यह बेहतरीन सेशन में जो सिंपल इंटरेस्ट पार्ट टू आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट वन वॉल्यूम पर हमने चर्चा बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था और पार्ट टू वॉल्यूम आपके सामने प्रस्तुत है और आगामी वॉल्यूम भी आपके सामने इसी तरह मैं प्रस्तुत करता रहूंगा। प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आप सबों को अपने कोचिंग के डायरेक्टर महोदय मिस्टर राजू जी राजू बाबू से आप 99 34 87 97 98 पर कोचिंग संबंधी किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपसे एक अर्ज है, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप अविलंब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अन्यथा वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और साथ साथ बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि अगला कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका जस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों मेरे असिस्टेंट के रूप में मिस्टर मयंक कुमार प्रस्तुत कर रहे हैं पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा। आपका क्वेश्चन बोर्ड पर या आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इसके थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट में मैं समझा दिया था, जिसे फिर एक बार रिवीजन के तौर पर दोहरा देता हूँ कि साधारण ब्याज में किसी भी मूलधन जिसे संकेत में प्रिंसिपल या पी बोलते हैं, इसका रेट परसेंट कुछ भी हो और जो भी टाइम गिवन हो दिया हुआ हो इसके साथ गुना कर दो तो दिस इज द पोजीशन ऑफ एसआई, यही सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। और अब अगर इस पर चर्चा करूं तो प्रश्न है मूलधन तथा उसके वार्षिक मिश्र धन का अनुपात। तो मूलधन का मतलब तो दोस्तों पी हुआ और वार्षिक मिश्रधन का मतलब संकेत में ए या अमाउंट हुआ और यह रेशियो अगर मेरा 8:9 दिया हुआ है 8:9 तो मूलधन और यह मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब तो मूलधन में ब्याज का जुड़ा होना होता है, तो अगर 9 में 8 घटा दो तो मेरा ब्याज का जगह पर सेट हो जाएगा 1 रुपये का या 1 यूनिट का ब्याज, जबकि मूलधन के लिए पी मेरा 8 रखा हुआ है और तब है साधारण ब्याज की दर क्या है तो आर परसेंट मुझे फाइंड करना है और टाइम के लिए मुझे वार्षिक ब्याज की दर 1 रखना था और यहाँ ब्याज का जगह 1 रख दूँ तो आप 4 × 8 4 × 2500 आर बराबर 25 अपॉन 2 दैट इज 12.5% या 12 होल 1/2% आपका आंसर बिल्कुल ही सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इस तरह अपना जो सिद्धांत है प्रश्न पढ़ दूंगा तो आंसर सही बोल दूंगा और इसी सिद्धांत पर आधारित मैं शुरू से सारे चैप्टर्स मैथमेटिक्स या रीजनिंग का आपको वीडियो में समझाता रहा और उसका परिणाम अभी भी आप देख सकते हैं। प्रश्न पढ़ता जाऊंगा, नोटेशन फाइंड करता जाऊंगा, प्रश्न को समाप्त करूंगा और विद इन सेकेंड कैलकुलेशन करते हुए आंसर ले लूंगा। मुझे विश्वास है कि यह प्रश्न बखूबी आपको समझ में आ गया होगा। मूलधन और मिश्रधन प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अगर 8:9 था तो मेरा प्रिंसिपल 8 था ही, रेट परसेंट फाइंड करता था और यह रेशियो मेरा 1 ईयर का दिया हुआ था और अगर अमाउंट में हम प्रिंसिपल को माइनस कर दूँ तो यह 1 रुपी मेरा सिंपल इंटरेस्ट के जगह पर आ जाएगा। सारे टर्म्स को अपने सुव्यवस्थित जगहों पर जो ही व्यवस्था में लाऊंगा मेरा आंसर तुरंत क्लियर कट कॉन्सेप्ट के साथ आ जाएगा। अर्थात यूं कहूं 1 2 3 4 इन 4 टर्म में से कोई भी 3 टर्म देकर 1 टर्म का चर्चा जब भी हमसे करेगा तुरंत आंसर फाइंड कर देंगे और हमारे असिस्टेंट अगला प्रश्न आपके लिए बोर्ड पर ये रख रहे हैं और अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न दोस्तों पुनः आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा और ये प्रश्न कहता है मयंक ने 5
5,000 रुपये का उधार, तो तुरंत मूलधन का जगह 5,000 रुपया धर लिया, पकड़ लिया। 3 वर्ष के लिए तो रेट कुछ भी था, तो रेट हमेशा परसेंट में 100 लिख कर बढ़ गया। 3 वर्ष टाइम रख दिया, बराबर साधारण ब्याज का जगह छोड़ दिया, और 3 वर्ष बाद उसने मूलधन सहित ब्याज के रूप में 6,200 रुपया अदा किया। तो मूलधन सहित अगर ब्याज 6,200 दे तो दैट इज अमाउंट, यही तो मेरा मिश्रधन है। और इस तरह यह मिश्रधन अगर 6,200 है, मूलधन 5,000 है, तो 6,200 में 5,000 अगर माइनस कर दूं तो यही तो मेरा 1,200 रुपया रियली सिंपल इंटरेस्ट का जगह होगा। तो प्रश्न स्वाभाविक है कि हमसे ब्याज की वार्षिक दर क्या थी पूछा गया। कुछ भी नहीं है दोस्तों, अगर मैं काम करूं तो ये 00 से 00 काट लूं, और तब अगर इस शून्य से यहाँ का भी शून्य काट लूं, और तब इस 3 से अगर इसको भी काट लूं तो यह 40 मरतबे, और 5 से अगर 40 को काट दूं तो 5×8=40, तो मेरा रेट वास्तव में 8% फाइंड हो गया, और मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल ही देखा जा सकता है करेक्ट आ गया। और इस तरह दोस्तों किसी भी प्रकार का प्रश्न सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम पढ़ देंगे तो जगह पर गोटी सेट करके इसका उत्तर बहुत मजे में कह देंगे। और इस तरह आपका ये भी प्रश्न समाप्त हुआ। अगला प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न फिर दिख रहा है आपको मोबाइल स्क्रीन पर। कोई धन, तो धन जो ही कोई कहा तो कोई धन हमने एक समझ लिया। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से तो रेट हमें पता नहीं, तो 8% रख लिया। 8 वर्ष में टाइम 8 वर्ष रख लिया, अपना 2 गुना हो जाता है। तो धन माना था 1 और यह 2 गुना हो जाए तो हो गया 2। तो प्रिंसिपल अगर 1 था तो 2 गुना 2 बन जाना, या रियल में तो अमाउंट है। तो जब ही हमें अमाउंट पता हो और धन या मूलधन या प्रिंसिपल पता हो, तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होगा वही तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 2 गुना जो ही कहे तो 2 में 1 घटा कर यहाँ 1 रख लिया, तो आर बराबर 4×8 4×25 25×2 दैट इज 12.5%, और मेरा ऑप्शन सी आ गया। यहाँ पर दोस्तों एक जानकारी आपको दो कि अगर कोई भी धन के लिए अगर कह दे कि 5 गुना हो गया, तो धन अगर 1 मानिए तो 5 गुना के लिए 5 में 1 हटा कर ब्याज के रूप में 4 रख दीजिए। अगर कहे कि कोई धन 100 गुना हो जाए, तो धन अगर 1 मानू तो हो गया 100, मिश्रधन है 100, अमाउंट है 100, 100 में 1 हटा दे तो यहाँ 99 रखते। और इस तरह आपका रेट अगर देगा तो टाइम पूछेगा, टाइम अगर देगा तो रेट पूछेगा, और इसे ही हम किसी भी धन का गुणित राशि बन जाना, मल्टीपल अमाउंट प्रोडक्ट हो जाना। ऐसे ही प्रश्न को हम तुरंत प्रश्नानुसार सजाएंगे और आंसर में चले जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आपका देखा जाए। कितने वर्षों में तो हमसे यहाँ टाइम डिमांड कर लिया, यहाँ मेरा रेट का परसेंट है, यहाँ मेरा मूलधन है। अब प्रश्न देखता हूँ, कितने वर्षों में तो टी वर्ष में कोई धन, धन माना 1 3% तुरंत 3% का जगह लगाया, साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना होगा, तो धन 1 था हो गया 2, तो ब्याज आएगा 2 - 1 = 1 अभी अभी बताया। और इस तरह अगर दोस्तों टी का मतलब बताऊं तो 100/3 दैट इज 33.1/3% मेरा परसेंट नहीं बल्कि यहाँ वर्ष था, तो हम वर्ष लिखेंगे, और इस तरह मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आ जाएगा। और दोस्तों आपका ये भी प्रश्न
समाप्त हुआ, अभी अभी बताया था कि अगर यहाँ पर रेट देगा पिछले प्रश्न में या रेट परसेंट रखा था तो टाइम का जिक्र था, यहाँ अब पिछले प्रश्न में यहाँ टाइम रखा था तो रेट परसेंट पूछा था और अभी रेट परसेंट रख दिया तो आपसे टाइम का जिक्र कर दिया। धन संजोग से इस प्रश्न में भी दो ही गुना हुआ, इसीलिए ब्याज एक रखा, लेकिन मूलधन हमेशा वन आपको कॉन्सेप्ट में रखना है। अगर हमको देता कि धन 100 गुना हो गया तो मूलधन एक ही रखता, लेकिन ब्याज 100 माइनस एक अर्थात यहाँ 99 रुपया रख देता या 99 यूनिट। और इस तरह प्रश्न का हल इस टाइप के प्रश्न में क्विक एंड फास्ट लिए जा सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके साथ पुनः शेयर कर रहा हूँ, जिसे आप बहुत ही ढंग से अंदाज से देखेंगे। प्रश्न नेक्स्ट आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, अगला बहुत ही सुंदर क्वेश्चन और देखा जाए आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न। इसमें डबल पार्ट टू पार्ट्स में क्वेश्चन को रखा है। इसके बनाने के हम दो तरीके सीखता हूं। सबसे पहला अपना कॉन्सेप्चुअल, जहां कोई भी फॉर्मूला नहीं, प्रश्न पढ़ता जाऊंगा, काम करता जाऊंगा, प्रश्न पढ़ के समाप्त करूंगा और आंसर सही विकल्प में से चुन लूंगा। कैसे? एक निश्चित धन, तो धन या प्रिंसिपल एक हो गया। एक निश्चित दर से कोई धन, तो निश्चित दर मेरा आर परसेंट आ गया, और 6 वर्षों में तो टाइम मेरा 6 इयर्स आ गया। दो गुना हो जाता है तो अभी अभी बताया था कि दो गुना होना अर्थात दो में से एक, ब्याज मेरा एक होगा। और इस तरह दोस्तों आर बराबर मैं 100/6% बोल सकता हूं। अगर मुझे सिर्फ रेट पूछता तो मेरा आंसर अभी 2 × 6 = 2 50 50/3 मेरा 16.2/3% आंसर आ गया होगा। लेकिन प्रश्न में आगे कुछ बढ़ाया तो कितने वर्षों में, तो सेकेंड स्टेप में मुझे टाइम पूछा गया है। यही धन, तो धन मेरा एक होगा और 4 गुना हो जाएगा। तो अब यही समझना है, पहले स्टेप से जो हमने रेट फाइंड किया वह रेट 100/6% का मतलब 100, और यहाँ 4 गुना हो जाएगा, लिखा हुआ है 4 गुना, तो 4 गुना का मतलब 4 माइनस यही मूलधन एक अर्थात 3। और इस तरह अगर 100 हटा दूं तो t = 6 × 3 क्रॉस गुना आपका 18 वर्ष आंसर आ जाएगा। और इस तरह इसमें 18 वर्ष है नहीं और कहीं ऑप्शन शायद मिस्टेक हुआ है, और अगर हाँ हाँ ऑप्शन मिस्टेक हुआ है, इन लोगों का कहना है और यहाँ 13.1/3 वर्ष के बदले 18 वर्ष रखे थे। और इस तरह आपका यह प्रश्न बिल्कुल ही सही हो गया। ऐसा प्रश्न हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक हास्यास्पद बात है, क्वेश्चन तो वाइप ऑफ हो गए लेकिन आंसर आपका पिछला ही क्वेश्चन का या वाइप ऑफ नहीं हो सका, अर्थात यहाँ यूं समझो कि 18 वर्ष मेरा करेक्ट ऑप्शन चला है। अब चलिए प्रश्न फिर से एक बार समझाऊं। कोई धन प्रिंसिपल 1 लिया और यह 6 वर्षों में, तो 6 इयर्स टाइम हो गया, किसी भी रेट परसेंट से आर परसेंट माना, या डबल 2 गुना हुआ तो यह 1 हो गया 2 - 1, और इससे मेरा आर बराबर 100/6% कैलकुलेशन से आ गया। दूसरा स्टेप जो क्वेश्चन मेरा कहता था, तो कितने वर्षों में, तो मेरा सेकंड स्टेप में टाइम पूछ रहा है, टाइम का जगह टी रख लिया, और रेट मेरा जो यह फाइंड हुआ है इसी रेट का अनुप्रयोग में लाऊंगा। 100/6% का मतलब गुना 100 से धन एक माना, लेकिन कहता है यह धन 4 गुना होगा, अर्थात 4 गुना होने का मतलब 4 - 1 = 3 यहाँ रख दिया, और इस तरह टी बराबर 18 वर्ष ले लिया। इसके लिए एक सुंदर सा ट्रिक का व्यवहार आप कर सकते हैं, जिसे मैं अभी समझाता हूँ, और इस ट्रिक के अनुप्रयोग से ऐसे प्रश्न के हल हो सकते हैं। लेकिन ट्रिक कभी भी इंडिविजुअल या पार्टिकुलर होता है, जबकि कॉन्सेप्ट जिसे हम टेक्निक समझ सकता हूँ, प्रश्न पढ़ा आंसर में गया।
इसका ट्रिक एक आता है, सेकेंड टाइम जो गुणित राशि होती है, जो मल्टीपुल अमाउंट बन जाता है कोई भी प्रिंसिपल, वह एन टू माइनस वन, फर्स्ट टाइम का मल्टीपुल अमाउंट एन वन बोलेंगे माइनस वन, और इसको अगर यहाँ टी वन से गुना कर लेंगे तो दैट इज आवर टी टू, और इस फॉर्मूले का व्यवहार करके भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता था। और इसमें भी आप देख सकते हैं एन टू सेकेंड टाइम का गुणित धन, एन वन प्रथम बार का गुणित धन, टी वन फर्स्ट टाइम प्रथम बार गुणित धन का समय, और टी टू दूसरी बार गुणित धन का समय। और इस तरह एक दो तीन चार, इन चार पदों में से, इन फोर टर्म्स में से अगर कोई भी थ्री टर्म्स आपको रख देगा दोस्तों, तो वन टर्म आप मजे में फाइंड कर सकते हैं। जैसे एन टू का माने दूसरे बार गुना धन बोला चार, तो यहाँ एन टू का मतलब चार माइनस वन, प्रथम बार का एन वन आप देख सकते हैं प्रथम बार बोला है दो गुना, तो आप टू माइनस वन रखेंगे, और यहाँ टी वन का मतलब फर्स्ट बार का समय, तो फर्स्ट बार का समय दोस्तों यहाँ सिक्स ईयर्स रखा हुआ है, और हमसे यहाँ टी टू फाइंड करने को बताया गया, तो नीचे दो में एक गया एक, ऊपर चार में एक गया तीन, और इस तीन का अगर छ से गुना करूं तो यही मेरा टी टू जो 18 ईयर्स मेरा करेक्ट आंसर आएगा। इस प्रश्न में ऑप्शन लिखना छूट गया था, लेकिन मैं दोनों विधि से आपको दिखाया कि ऐसे प्रश्न में कभी कभी गुणित राशि ही पूछ देगा, और कभी कभी आपका फर्स्ट टाइम भी पूछ सकता है, कभी कभी सेकेंड टाइम पूछ सकता है, कभी द्वितीय गुणित धन सेकेंड टाइम्स जो मल्टीपुल अमाउंट होगा वह एन टू पूछ देगा कि दूसरी बार में यह कितना गुना हो जाएगा। तो इन चार पदों में से कोई भी तीन पद देकर आपसे एक पद डिमांड करता है, तो इस फॉर्मूले का व्यवहार आप कर सकते हैं। लेकिन आपको समझाऊं कि मेरा तो कॉन्सेप्ट है सारे चैप्टर्स का विदाउट फॉर्मूला मैं काम करता हूँ, लेकिन अगर फिर भी यह ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ध्यान में रखकर आप ऐसे प्रश्नों का हल बहुत ही मजे में ले सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन बता सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टू डेज वर्क, ये नेक्स्ट रहा अगला प्रश्न लास्ट, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन अंतिम प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, और फिर आप पार्ट थ्री वीडियो का भी सेशन का भी मजा लीजिएगा। वह वीडियो संजोग बस पहले बन गया तो मैं पार्ट थ्री आपको पहले अपलोड कर दिया, पार्ट टू अब अपलोड आज कर रहा हूँ जिसे आप देख ही रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कोई धनराशि, तो धनराशि समझ लिया एक, साधारण ब्याज की किसी दर से, तो साधारण ब्याज का कोई दर आर परसेंट से एक बट्टे चार वर्ष में, वो एक बट्टे चार वर्ष ले लिया, स्वयं की इकतालीस बट्टे चालीस हो जाती है, तो स्वयं माने एक का इकतालीस बट्टे चालीस होने का मतलब कि धन अगर आपका चालीस था तो यह बन गया इकतालीस, अर्थात समझेंगे कि चालीस रुपया अगर इकतालीस रुपया बन जाए तो हम कहेंगे इसमें एक रुपये का इजाफा या वृद्धि या इंक्रीजिंग हुआ, और इस तरह यह एक रुपया बढ़ना हमारा ब्याज है। लेकिन अब अगर कहूं किस धन के लिए, तो एक धन के लिए नहीं बल्कि दोस्तों चालीस धन के लिए ना इकतालीस बनना है, तो आपको यहां पर ये धन के रूप में चालीस रखने होंगे, और तब हम इकतालीस रुपया अमाउंट समझकर ब्याज की राशि एक रख देंगे जो साधारण ब्याज हुआ, और अब इसे काटूं तो चार दाहें चालीस, दस दाहें सौ, दैट इज आर 10% आपका आंसर फाइंड हुआ, ऑप्शन ए इज फाइनली करेक्ट। और फिर इस प्रश्न को एक बार समझा दूं कि कोई धन अगर स्वयं का एक बटके चार वर्ष में किसी भी रेट परसेंट से 41/40 हो गया हो 41/40, तो इट मींस कि प्रिंसिपल अगर 40 रहा होगा तो अमाउंट मेरा 41 बन गया होगा, और इस तरह
40 से 41 बनना, मेरा 1 रुपये का या 1 यूनिट का इजाफा होना सिंपल इंटरेस्ट का जगह आया, और इस तरह मैं कैलकुलेट करके आर इक्वल टू 10% विद इन सेकेंड उत्तर ले लिया। और इस तरह इस सेशन में जो भी प्रश्न पढ़ाया हूँ, आपको समझाया हूँ दोस्तों, वह आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी प्रोबेबल या संभावित प्रश्नों में से एक है, और आप इन सब पर बिल्कुल मजे में ध्यानपूर्वक आराम से अगर इस कॉन्सेप्ट को जान गए होंगे पार्ट 1 वीडियो के माध्यम से, तो या और समझने में आपको आज कोई भी दिक्कतें परेशानी या कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। चलते चलते मैं फिर आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरा न्यू वीडियो देखने वाले हैं तो निश्चित ही आप अगर पसंद किए हों मेरे इस प्रश्नावली के प्रश्नोत्तरी को, तो आप लोग जरूर ही इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, और मिस्टर राजू जी के नंबर 99 34 97 98 पर संपर्क करके कोचिंग संबंधी कोई भी विशेष जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आज की मुलाकात समाप्त हुई। आपका प्रिय मित्र आनंद कुमार कर्ण आपसे विदा लेना चाहता है। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय। थैंक यू।